फास्ट स्पीड भी है, अच्छा है, वेरी गुड। वेरी गुड। बस तो प्रणय जी, आपका एक थेरेपी हो गया पुणे कैंप में है, तो दिस इज योर सेकंड थेरेपी। कैसे रहे आपके 2 महीने? 2 महीने अच्छे थे। जब मैंने फर्स्ट थेरेपी के लिए पुणे में गया था तो काफ़ी पेन था। थेरेपी लेने के बाद में पेन कम हो गया और मेरे को पहले भरोसा नहीं था थोड़ा, बट फिर 10-15 दिन बाद दर्द कम हो गया, दवाइयों से आराम होने लगा, तो फिर मैं सेकंड थेरेपी के लिए आ ठीक है, गया। अभी दिखाओ पैर ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों पैर ओपन करो। ये कभी दिक्कत नहीं हुई मुझे। ये कभी नहीं दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, कोई पेन नहीं हो रहा? हाँ, नहीं, हल्का तो होता ही है, वो हर किसी को होता होगा। वो थोड़ा बहुत तो खींचने पर होता ही है। हाँ तो पहले जब भरोसा नहीं था तो फिर कैसे भरोसा हुआ, या कैसे आए थे पुणे कैंप में? हाँ पुणे कैंप में तो जैसे ही मुझे डायग्नोस हुआ ना तो हाँ यूट्यूब के थ्रू पता चला। मैंने ठीक है, बोला पुणे में ही हो रहा है तो एक बार जाने में क्या प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है। तो 5 डेज का किया। तो ऑब्वियसली जब थेरेपी होती है तो थोड़ा पेन तो रहता ही है और पहले से आपको पेन होता रहता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ समझ हाँ नहीं आ रहा है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ 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 बट ग्रेजुअली 15 to 20 डेज में आपको आराम लगने लगता है, दर्द कम हो जाता है, तो फिर आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है। यस 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 तो फिर 1-1.5 महीने में मेरा दर्द जो कम हुआ है तो हाँ मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ काम करती है, यस और मैं यस सेकेंड थेरेपी के लिए आ गया। ठीक है, ठीक है। तो सो दिस इज़ द मेंटेनेंस थेरेपी एंड आई होप कि नेक्स्ट मतलब आपको अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपनी लॉन्ग लाइफ चला ले जाओगे, बट फिर भी कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप यू कैन कम इन वंस इन ए ईयर इवन ऑल्सो, नो ओके प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो दिगेंद्र, ओके जी सर। ओके, तो ये आपका दूसरा सिटिंग हो गया है ना? पहला सिटिंग पुणे में लिया था और दूसरा यहाँ लिया है। कैसा है अभी चलने फिरने में, उन सब चीज़ों में कैसा लग रहा चलने फिरने में तो आराम हो गया है, कोई दिक्कत नजर नहीं आती। कोई दिक्कत नज़र नहीं? पहले क्या क्या दिक्कत थी जब फर्स्ट टाइम मिले थे, जब आए थे पुणे में? पैरों में झुनझुनी आती थी, दर्द दे रहा था, कमर से लेके नीचे तक लेफ्ट में पूरा दर्द था। फिर अच्छा, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता था, ज़्यादा बैठता देर था तक? तो थोड़ा सा ऐसे उठना ही पड़ता था हाँ। बार बार, आधे आधे घंटे में उठ के घूमना। बट हाँ। अब थोड़ा सा 1-1.5 घंटा लंबा बैठ पाता हूँ अच्छा, थेरेपी वगैरह के बाद में, ओके, अब आराम से और दस बैठ पंद्रह रहे। दिन बाद दर्द भी कम हो गया था। और थेरेपी के अभी बाद हो तो गया था। काफ़ी दर्द कम हुआ है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड सिटिंग में मतलब और अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला? हाँ क्या क्या चेंज देखा सेकंड सिटिंग में? सेकंड सिटिंग में मेरा जो दर्द था वो थोड़ा कम लग रहा है अभी वो और फिलहाल। कम हो गया, हाँ मूवमेंट फिर मूवमेंट बाकी 10-15 दिन बाद पता चलेगा और हाँ, ज़्यादा तो अच्छे अभी से। और कम होगा, अभी 10-15 दिन बाद तो और और समझ में आएगा। चलो कम हो मूवमेंट गया। दिखाओ जरा। ठीक है, ठीक है, अरे तो पूरा आराम जा रहा। पैर खोलो, ओपन करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट ये क्लास। मैं पहले कर नहीं पाता हाँ, था। अब तो बहुत आराम से कर लेगा। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? बढ़िया ट्रीटमेंट तो बढ़िया है। है, पुणे हाँ कैंप थेरेपी से से यहाँ पे आके देखा तो और कुछ यहाँ ज़्यादा इम्प्रूव? अच्छा है। यहाँ ज़्यादा अच्छा हाँ है? पुणे गांव पे ज़्यादा लोग रहते, सबको हाँ, अकोमोडेट करना पड़ता है यहाँ यहाँ स्टेप्स भी पे। ज़्यादा हाँ है। यहाँ स्टेप्स भी ज़्यादा है, आपको स्टीम थेरेपी मिलेगी, इन्वर्जन मिलेगा, देन फिर काश्य थाली वाला एक हो गया, लेप हो गया, एंड और क्या बचता है, पोटली की पोटली, सिकाई जो हो गई, हाँ तो ये चार पांच एक्सेस, स्टेप और ऐड होती है। वेपर जो हाँ स्टीम बात है वो ऐड होता है, तो वो इससे भी है, और फायदा बहुत सारी मिलता है। चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना? यस अग्निकर्मा और अग्निकर्मा हो गया, विधिकर्मा, सब वृद्ध चीज़ें कर्म, बहुत कुछ है। अग्निकर्मा, फिर आपका ब्लड कपिंग हो गई, तो हाँ, वो सारी चीज़ें भी हैं, हालांकि ध्यान तो वहाँ पे भी रहता है, मगर यह है कि हर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। 5 डेज में इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना है हाँ वो भी है, सबको। मगर यह है कि उन लोगों के लिए अच्छा है जो कभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकले, या जो कभी निकलना नहीं चाहते, या लैंग्वेज प्रॉब्लम है जिनको, तो उन लोगों के लिए। मेरे हाँ जैसे, मैं मुंबई में था, अचानक पता चला था तो पुणे चला गया, पुणे चला मेरे को था। फायदा नजर आया तो मैं यहाँ आया, यस 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 ये यस हुआ। यस सर, चलो तो ट्रीटमेंट्स हैप्पी हैं। हाँ सर। ठीक, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट है मिस्टर दिगेंद्र उके जी, और ये इनकी सेकंड सिटिंग है। पहली सिटिंग इन्होंने पुणे कैंप में लिया था। तो सबसे पहले हम दिगेंद्र जी से नमस्कार। नमस्कार दिगेंद्र जी,
बताइए फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि आप एक यंगस्टर्स हैं एंड आज की जनरेशन में देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा इवेंट हो ही रहा है, खासतौर से यंग एज के लड़कों को, जब उनको अब अपनी इनकम स्टार्ट करनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो क्या देखते हैं कि ये जो इवेंट की बीमारी आ रही है सोसाइटी पे, इस पर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आज के समय में? सबसे पहले तो आपको लगता है कि आपकी सोशल लाइफ और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, मतलब हैंडीकैप ना हो जाओ, फर्स्ट थॉट तो यही आता है yes, कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो उसी कारण से मैंने आयुर्वेदा और दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढा था। एक डर रहता है कि आगे क्या होगा। यस, साथ में मेरा दोस्त भी था तो उसके दोनों ही रिप्लेसमेंट हुए थे, तो उससे मैंने एक्सपीरियंस ले लिया था कि कैसा है ऑपरेशन, कितना सक्सेसफुल है, क्या कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो मेरा सेकंड ग्रेड था और स्टार्टिंग में तो ये होता है कि आपको घुटने में दर्द देगा, ग्रोइन में पेन होगा, कमर में थोड़ा दर्द होगा, गाड़ी चलाते टाइम दर्द होगा, तो उसको हम अवॉइड करते हैं एज ए यंगस्टर, तो उस चीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। बट स्टिल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि सर्जरी पे चले जाना चाहिए, एटलीस्ट एक बार आयुर्वेदा का ट्राई करना चाहिए कि हाँ नेचुरल तरीके से उसको हील करने का मौका दें, क्योंकि बॉडी खुद को तो हील करती है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा टाइम दे, उसके बाद में लास्ट रिजॉर्ट तो है ही, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी अगर कुछ नहीं हुआ तो। ऐसे नहीं रह सकते क्योंकि हम 30 या 35 की एज में, हमारे पास में अभी 30-40 साल और बचे हैं, तो ऑब्वियसली हमको सर्जरी पर जाना ही पड़ेगा अगर चलना फिरना ही मुश्किल हो गया है तो। यस, तो क्या सोच के आए थे सबसे पहले पुणे कैंप में जब आप आए थे मुंबई से, तो क्या था मन में शंकाएं, क्या कुछ? मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखा था एक्चुअली यूट्यूब पे, तो जो एक्सरसाइजेस थी वो मेरे को पहले से ही पता थी कि एवीएन की कुछ एक्सरसाइजेस ये होती है, तो मुझे एक थोड़ा ट्रस्ट आया कि नहीं ये सही बता रहे हैं, क्योंकि एवीएन के कुछ 4-5 स्टेप्स है, आपका पर्वतासन है और वो कीगल से रिलेटेड है। एक्चुअली मेरे को कीगल का एक्सरसाइज पता था, पेल्विस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाँ ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, तो इसलिए मुझे ट्रस्ट हुआ कि ये जो प्रोसेस है ये सही है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 5 डेज मैंने जब रजिस्ट्रेशन कराया था उस टाइम बहुत पेन था, ऑफिस में बैठ नहीं पाता था, ग्रोइन में बहुत पेन होता था, घुटने में दर्द देता था, जो यहाँ से लेके नीचे तक पूरी जलन देती थी, लेकिन बिल्कुल लाइन सी बनती थी वो झुनझुनी सी, फिर आधा घंटा नहीं बैठ पाता था ऑफिस में, एक ही साइड दर्द दे रहा है, इस साइड बैठ रहा हूँ। तो ये सब स्टार्टिंग में करीब 3-4 महीने की बात है, मई से लेके सितंबर तक। फिर आपके यहाँ मैं आया, थेरेपी वेरेपी लेते टाइम तो मुझे उतना आराम नहीं लगा, जब वापस जा रहे थे मैं पुणे से मुंबई, तब भी मैं कैब में बैठा था, इतना दर्द दे रहा था, मैंने बोला यार बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। तो मेरा कुछ प्लान था कि अभी कहीं घूमने जाना है दोस्तों के साथ में, उनको तुरंत बोला कि नहीं जाना है। फिर 10-15 दिन निकले और अचानक से मेरा दर्द गायब हो गया, वो झुनझुनी और वो जो ऊपर से नीचे तक जो दर्द देना, या मैं प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं कर पाता था तो 1 घंटा एटलीस्ट तो कर लेता था, पर अभी तो ये हो गया तो 2-2 घंटे तक मेरे को पता नहीं चलता था कि दर्द हो भी रहा है कि नहीं ऑफिस में, 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि हाँ दर्द हो रहा है, तो फिर उठ के थोड़ा घूमने फिरने लगा। मतलब पहली सिटिंग हो जाने के बाद काफी आराम मिला, 10 दिन बाद फिर आपको थोड़ा सा आराम, 10-15 डेज बाद मुझे लगा कि हाँ ये चीज काम कर रही है। फिर मैंने दवाइयां भी खाया था, दवाइयां और थेरेपी कुल मिला के, वो एक्सरसाइजेस किया था मैंने, बीच में ऑन एंड ऑफ हुआ 3-4 दिन, बट फिर भी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू थी। फिर अभी सेकंड सीटिंग में इसीलिए आया क्योंकि मेरा दर्द कम हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये चीज काम कर रही है, तो इसको 3-4 बार और करके देखते हैं, 2-3 थेरेपी और लेते हैं। यस, तो चलिए खैर ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, बट फ्रेंड्स बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको पहली सीटिंग में आराम मिल जाता है जिसने की तरह मिला, तो उसमें 2 संभावनाएं बनती है, या तो आराम मिलता है तो पेशेंट आता है, मगर कुछ ऐसा भी होता है नहीं मिलता है तो नहीं आता, और कहीं ऐसा होता है कि आराम मिल गया तो भी नहीं आता, तो भी नहीं आता। तो जो भी पेशेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और खासतौर से मैं उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, अगर आपको पहली सीटिंग लिया आराम मिल गया है तो इसका मतलब आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, आपको आना है और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है। तो दिगेन जी, अभी ये जैसे सेकेंड सीटिंग हुआ है ना, तो इस सेकेंड सीटिंग में पहले जो बच्चे थे रिमेनिंग, और अब में क्या क्या चेंजेस और देख रहे हो? सेकेंड सीटिंग में
मेरा तो पेन से रिलेटेड ही था और मुझे लग रहा था कि वो जो बोन रीजनरेशन है वो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि तो, आपका ज्यादा ग्रेड भी नहीं था, सेकंड ग्रेड ही था, सेकंड एंड थर्ड है ना, सेकंड है, एक में सेकंड है, इसमें है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा। तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा दर्द दे रहा है, ऑब्वियसली इधर भी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा क्योंकि दाएं साइड पे ज्यादा मैं लोड दे रहा हूँ, तो वो भी हो सकता है। तो मेरा वही कंसर्न है कि चलो ठीक है, थेरेपी से मेरा पेन तो कम हो गया है, बट जो बोन रीजनरेशन है वो मेडिसिन है, ब्लड फ्लो है, एक्सरसाइजेस है, उसी से हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के आई बटन में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, आप देखना उसमें कि किस तरीके से एमआरआई में चेंजेस आते हैं जब स्टार्टिंग स्टेज सेकंड एंड थर्ड ग्रेड के पेशेंट्स जब कनेक्ट होते हैं और वो रेगुलर बने रहते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा, वो उपाध्याय जी हैं, उसके उसके एमआरआई में थर्ड ग्रेड से अभी उसका काफ़ी बेटर हो गया है, मतलब थोड़ा सॉरी थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड से उनका जीरो हो गया, उनके एमआरआई में कोई स्पॉट नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके में भी कोई स्पॉट नहीं आएगा, एमआरआई का स्पॉट भी खत्म हो जाएगा। अब इस स्थिति में अपना टारगेट ये होना चाहिए कि पेन फ्री कंडीशन को हम लोग लगभग एक साल तक मेंटेन रख लें, एक डेढ़ साल तक। अगर जहाँ एक साल मेंटेन कर लिया, डेफिनेटली आप एमआरआई देखोगे तो उसमें आपको उसमें चेंजेस दिखेंगे। तो सबसे पहले क्लिनिकल फाइंडिंग्स, मतलब क्लिनिकली अगर पेशेंट को इम्प्रूव है, रिलैक्स है, पहले से पेन फ्री कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है कि एमआरआई में चेंजेस आएंगे आएंगे, वो दिखेंगे भी उसमें, दैट मींस इम्प्रूवमेंट हो रहा है और थेरेपी काम। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे जो सेकंड ग्रेड के हैं, तो अगर वो आते हैं तो उनके पास बहुत अच्छे मौके हैं, बहुत अच्छा चांस है, वो लकी है कि उनको सेकंड ग्रेड में पता चल गया कि उनको एवियन है, तो हम लोग काफ़ी कुछ उसमें कर सकते हैं और काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। तो दिगेन जी, ट्रीटमेंट में कैसा लगा आपको, मतलब उसका जो एप्लीकेशन है, मतलब किस तरीके से हम लोग जो काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना, दूसरा पेन को रिड्यूस करना, स्वेलिंग को रिड्यूस करना, जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, एडिमा उसमें आ रखा है, जॉइंट डिफ्यूजन जो हो रखा है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग टारगेट अप करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ द लेप, पोटली स्विदन, स्टीम एंड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, मेनली यस, अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, क्योंकि जो लिंपिंग स्टार्ट होती है वो गैप के कारण होती है और अलाइनमेंट के कारण फिर थोड़ा सा एडजस्ट होती है और फिर आपका एक्सरसाइजेस वगैरह और दूसरी चीजें उसको सस्टेन करके रखती है, लंबा बनाए के रखती है, बना करके रखती है। तो मतलब इसमें दोनों लोगों के एफर्ट्स चाहिए, एक तो पेशेंट के, डॉक्टर्स के तो एफर्ट्स चाहिए चाहिए, थेरेपी करना ये सब करना तो अपना काम है ही है, साथ ही साथ पेशेंट का भी कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो डेफिनेटली उसको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखिए जी, क्या कहना चाहेंगे यंग एज के लोगों को जो खासतौर से आपके आईटी फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक सिटिंग का काम जिनका ज़्यादा है? मैं तो यही कहूँगा, अगर स्टार्टिंग में जो घुटने में, नी में पेन होता है या ग्रोइन में पेन होता है, हिप में जो पेन होता है, उसको अवॉइड ना करके ऑर्थो के पास में जाके दिखा दे, बिकॉज उनके पास में एक टेक्निक होती है, आपकी जो थाई है उसको वो रोटेट करते हैं, देन उनको तुरंत पता चल जाता है कि ये एवियन से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है। तो इनिशियल स्टार्ट में ही 1-0 में ही या 1 में ही आपको एमआरआई के लिए सजेस्ट कर देगा और स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि एवियन से रिलेटेड चीज़ें आगे आ सकती है, तो प्रिकॉशनरी आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट या जो भी आपके आसपास बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो ले लो। और ऑर्थोपेडिक तो यही बोलेंगे कि रिप्लेसमेंट कराना है, ये कराना है, कुछ ऑस्टियोफोर्स टैबलेट दे देंगे 3-4 महीने का, बट ऑस्टियोफोर्स खाने के साथ साथ आप पहले आयुर्वेद पे चले जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको 0 या 1 या 2 में पता चल जा रहा है तो डेफिनेटली वो 0 चले जाएंगे, बहुत अच्छे चांसेस से कवर। अच्छा, तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि जैसे ही आपको पता चले तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स पास जाना है। कुछ लोग गांव के भी होते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आई बटन में एक लिंक और इसमें ऐड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं ऊपर, उसमें आप देखना मैं कि किस तरीके से आप घर पे ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको एवियन है। आप थोड़ा सा लेग्स को उठा करके उसको राउंड मूव कराइए, मूव कराने में किसी तरह का पेन होता है तो आप समझ जाइए कि आपको एवियन है, राउंड राउंड मूवमेंट में कोई पेन, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आई बटन पर लिंक क्लिक कर लेना, उसको देख लेना, ठीक है। और बाकी अगर आपके पास ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं तो आप ज़रूर उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराइए, एमआरआई ज़रूर कराइए। एमआरआई में वो कोई कंजूसी मत करिए कि इसमें ज़्यादा पैसा लग जाएगा, नहीं कराना है आपको एमआरआई, इन्वेस्टिगेट करिए, बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब आपका क्लियर हो जाए कि एवियन है तो तुरंत पहले तो घर पर ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो कह रहा है कि आईटी प्रोफेशनल्स को ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनका काम है बैठना, लंबे समय तक बैठना। नहीं, हम लोग क्या सोच के अवॉइड करते हैं, लंबे समय से बैठ रहा हूँ इसलिए हिप में दर्द हो रहा है और जांघ में दर्द हो रहा है, नी भी इसलिए, मैंने ऐसे रख दिया होगा इसलिए दिन भर दर्द दे रहा है, इसी सोच में हम लोग अवॉइड करते हैं।
फिर ये भी सोच जाती कि मैं लेफ्ट एंड अलाइन बैठता हूँ, एक साइड बैठता हूँ, इसलिए इधर दर्द दे रहा होगा, इधर नहीं दर्द दे रहा है। ऐसे भी कुछ चीजें होती हैं, बहुत सारे थिंकिंग आती है कि चलो आज हो गया, ये हो गया। समटाइम्स होता है आप कार चलाते हो तो क्लच ब्रेक करते रहते हो, उससे भी लगता है कि वो एक कुल मिला के ज्यादा लॉन्ग सिटिंग तो अवॉइड करना है, साथ ही साथ एक्सरसाइज जरूर करना है और बीमारी को डायग्नोसिस जरूर बनवानी है, क्लियर जरूर करना है। तो देखें जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और नए यंगस्टर्स को, यूथ को पता चलना चाहिए कि क्यों एवियन हो रहा है और किस तरीके से इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे पेशेंट्स के रिव्यूज़ पड़े हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, आपको बहुत मोटिवेट कर सकते हैं और आपको इस डिसीज़ से कोप अप करने में बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ख़ासतौर से उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो एक्चुअल नीडी हैं या बहुत गरीब है, नहीं उनका ट्रीटमेंट हो पा रहा है, तो एटलीस्ट वो एक्सरसाइज करके ही अपने आप को इस हद तक बना लेंगे कि वो अपने घर के वॉशरूम तक जा सकें, चलने फिरने लायक कंडीशन में हो जाए। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये एक सोशल वेलफेयर के लिए एक तरीके से ये चैनल है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। तो वंस अगेन थैंक यू, एंड आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।